सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट स्टडी वीडियोज सबसे पहले पाने के लिए। हेलो गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन। गाइज, 200 प्लस इडियम्स एंड फ्रेजेस सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक मैंने पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री इसके ऑलरेडी जो हैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं तो मैं उसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं। और इस जो 200 प्लस सीरीज़ है इडियम्स एंड फ्रेजेस की, इसमें मैंने सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस कलेक्ट किए हैं जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं। अगर आप कोई भी बुक उठाकर देखेंगे तो उसमें दिख जाएंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जो कई बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों, इसी सीरीज को स्टार्ट करते हुए चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला एडियम है, देखिए क्या है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो क्या है, ऑन द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर। पहला हमारा क्या है, ऑन द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर। तो ऑन द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर का मतलब क्या होता है, जान लेते हैं। ऑन द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर तो इसका मतलब होता है कगार पर। इसका मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, इसका मतलब हो जाता है कि कगार पर। तो कगार पर इसका मतलब हो जाता है, तो मतलब कि इसका क्या हो जाएगा, कगार पर वहाँ की जनता। अगर इसको हम हिंदी के एक सेंटेंस से समझें कि जैसे कि ये कह सकते हैं कि जैसे कि वो सफलता की कगार पर था, मतलब वो सफलता के चरम पर था या बिल्कुल सफलता पर पाने वाला था, तो उस पॉइंट पर था कि उसे सफलता मिल जाती। तो यहाँ पर इस सेंटेंस से आप इसको समझ सकते हैं। तो मतलब कि क्या हो जाएगा, अगर इसका हम आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा एट द पॉइंट ऑफ, एट द पॉइंट ऑफ। नेक्स्ट हमारा है ऑन द क्लाउड नाइन। तो देखिए, ऑन द क्लाउड नाइन तो ये बहुत ही प्रचलित मुहावरा है और इसका अक्सर लोग यूज ही करते रहते हैं। ऑन द क्लाउड नाइन मतलब सातवें आसमान पर, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होना या बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाना। नेक्स्ट है ओवर हेड एंड एयर्स। नेक्स्ट हमारा क्या है, ओवर हेड एंड एयर्स। तो ओवर हेड एंड एयर्स मतलब होता जाता है दोस्तों, अगर इसका हम हिंदी मतलब जाने की कोशिश करें तो ओवर हेड एंड एयर्स, इसके सेंस से ही क्लियर हो रहा है कि सर से लेकर कान तक, मतलब कि पूर्णतया कम्प्लीटली जिसको हम बोल सकते हैं, ओवर हेड एंड एयर्स, सर से लेकर कान तक, मतलब कि पूर्णतया या कम्प्लीटली आप बोल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कम्प्लीटली। नेक्स्ट हमारा है अदर फिश टू फ्राई। तो देखिए, इसको हम एक सेंटेंस से ये समझ सकते हैं कि अगर हम आपसे कहें कि आई हैव अदर वर्क या अदर फिश टू फ्राई, मतलब कि मेरे पास कुछ और भी काम है या सम इम्पॉर्टेंट वर्क है टू अटेंड टू, मतलब कुछ और भी हमारे पास इंपॉर्टेंट ऐसा वर्क है जो अटेंड करना है मुझे, तो मतलब इसका मतलब ये निकल कर आ जाता है कि कुछ सम इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट वर्क टू अटेंड टू, मतलब कोई ऐसा और भी इम्पॉर्टेंट काम है जो मुझे अटेंड करना है या उसे करना है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सम इम्पॉर्टेंट वर्क टू अटेंड टू। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं वंस इन अ ब्लू मून। तो देखिए, वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है यदा कदा या बहुत कम। वंस इन ए ब्लू मून का होता है यदा कदा या बहुत कम। तो इसका मतलब तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे, अगर इसकी हिंदी मैंने बता दिया है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रेयरली। क्या हो जाएगा, सॉरी, इसका मतलब हो जाएगा रेयरली। नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्लेइंग विथ फायर। तो देखिए, प्लेइंग विथ फायर की अगर हम बात कर रहे हैं तो प्लेइंग विथ फायर का मतलब क्या हो जाता है, प्लेइंग विथ फायर का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा बड़े खतरे से खेलना, मतलब कि आग के साथ खेलना, के ये कह सकते हैं आप, कहीं देखते हैं कि वो तो बिल्कुल आग के साथ खेलता है, मतलब कि बहुत ही डेंजरस टास्क करता है या बहुत ही डेंजरस उसके सिचुएशंस रहती हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फेसिंग अ डेंजरस सिचुएशन। क्या हो जाएगा, फेसिंग अ डेंजरस सिचुएशन। नेक्स्ट हमारा देखते हैं, तो नेक्स्ट है पे थ्रू दियर नोज। नेक्स्ट हमारा क्या है, पे थ्रू दियर नोज। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पे थ्रू दियर नोज, इसका मतलब देखिए दोस्तों, अगर हिंदी में इसका हम जाने तो इसका मतलब ये निकल कर आता है कि किसी वस्तु आदि के लिए अत्यधिक भुगतान करना, मतलब कि पे थ्रू दियर नोज का मतलब ये हो जाता है कि कोई वस्तु है उसकी कीमत से ज़्यादा उसका भुगतान कर देना, इसका मतलब ये हो जाता है पे थ्रू दियर नोज। तो इसका देखिए क्या हो जाएगा, इसका जो अगर हम आंसर देखें तो क्या हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस। क्या हो जाएगा इसका, एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस। तो ये हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारा क्या हो रहा है, पुल्स नो पंचेज। नेक्स्ट क्या हमारा है, पुल्स नो पंचेज। तो देखिए, पुल्स नो पंचेज का मतलब होता है कि बहुत ही
आज़ादी के साथ ओपनली बोलना या लेक्चर देना, भाषण देना, तो इसका मतलब हो जाता है आपका स्पीक्स फ्रेंकली। इसका क्या हो जाता है? स्पीक्स फ्रेंकली। नेक्स्ट है हमारा, अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो वो हमारा क्या निकल कर आ रहा है? नेक्स्ट हमारा निकल कर आ रहा है पिकिंग होल्स इन। नेक्स्ट हमारा है पिकिंग होल्स इन। तो देखिए पिकिंग होल्स इन का मतलब अगर हम देखें तो इसके सेंस से क्लियर हो रहा है। पिकिंग होल्स मतलब हमेशा किसी चीज़ में कमी निकालते रहना, दोष निकालते रहना, पिकिंग होल्स इन। इसके सेंस से आप अगर देखें इंग्लिश में, पिकिंग मतलब होल्स पिक करना किसी चीज़ में हमेशा, तो मतलब पिकिंग होल्स इन का मतलब होता है हमेशा किसी चीज़ में दोष निकालते रहना, कमी निकालते रहना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फाइंडिंग फॉल्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फाइंडिंग फॉल्ट, हमेशा जो है गलती निकालते रहना। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट हमारा क्या निकल कर आ जाता है? तो नेक्स्ट हमारा है प्लीज डक्स एंड ड्रैक्स। प्लीड डक्स एंड ड्रैक्स, तो प्लीड डक्स एंड ड्रैक्स का मतलब होता है, अगर हम इसकी हिंदी जानने की कोशिश करें तो इसकी हिंदी कुछ ये निकल कर आती है कि लापरवाही से उपयोग करना। इसकी हिंदी क्या निकल कर आती है? लापरवाही से उपयोग करना। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा स्पेंट लेविसली। इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्पेंट लेविसली। नेक्स्ट हमारा आ जाता है पेज इन द लॉन्ग रन। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है? पेज इन द लॉन्ग रन। तो देखिए पेज इन द लॉन्ग रन का मतलब होता है, अब देखिए आप इसके सेंस से समझ सकते हैं कि पेज इन द लॉन्ग रन इसका मतलब ये होता है कि किसी चीज़ का जो रिज़ल्ट मिलता है काफ़ी ज़्यादा समय के बाद, लॉन्ग रन के बाद, बहुत मेहनत के बाद। तो अगर हम इसका जानने की कोशिश करें, इसका मतलब तो होता है कि मतलब किसी चीज़ का अंत, क्लाइमेक्स मिल जाना, अंततः, जिसको हिंदी बोलते थे अंततः या अंततोगत्ता, इस तरह का कुछ होता है। तो ये जिसे ही सक्सेस पेज इन द लॉन्ग रन ये भी कह सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा फिर? इसका क्या हो जाएगा अगर हम इसका आंसर यहाँ पर जाने की कोशिश करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट हमारा है पुट माई फुट डाउन। नेक्स्ट हमारा क्या है? पुट माई फुट डाउन। तो देखिए पुट माई फुट डाउन यहाँ पर देखा गया है, तो पुट माई फुट डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ का दृढ़तापूर्वक विरोध करना। इसका क्या हो जाता है? किसी चीज़ का दृढ़तापूर्वक विरोध करना। तो किसी चीज़ का दृढ़तापूर्वक विरोध करने का मतलब क्या हो जाएगा? बहुत ही जटिल विरोध करना, जिसको कह सकते हैं कि किसी चीज़ का बहुत ही अच्छे से विरोध करना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा टेक अ फर्म स्टैंड। टेक अ फर्म स्टैंड। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा है रीड बिटवीन द लाइंस। अब नेक्स्ट हमारा क्या हो जाता है? रीड बिटवीन द लाइंस। तो देखिए रीड बिटवीन द लाइंस की अगर हम बात करें, एक मिनट, रीड बिटवीन द लाइंस, तो रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब होता है कि अगर इसकी हम हिंदी जाने की कोशिश करें तो अगर हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर कोई चीज़, कोई जैसे फ्रेज है या कोई हमारे पास लेशन है, तो किसी पार्ट को या कोई लेखनी है तो उसमें उसको पढ़ना और इस तरह से उसको पढ़ना कि लेखक के जो छिपे हुए अर्थ को पहचान समझना उसमें, अगर लेखक उसमें कहना चाह रहा है उसका अर्थ कुछ हिडन है, छिपा हुआ है, तो उसको पहचानने की कोशिश करना। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो जाएगा फिर? आंसर फाइंड मोर मीनिंग देन द वर्ड अपीयर टू एक्सप्रेस। मतलब कि कोई भी वर्ड जो है अगर उसको किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए एक्सप्रेस किया गया है तो उससे भी ज़्यादा उसका क्या मीनिंग है, उसका सेंस क्या निकल रहा है, उसमें ज़्यादा और गंभीरता क्या है, उसको पकड़ना। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है राइजेज विद द लार्क। नेक्स्ट हमारा क्या है? राइजेज विद द लार्क। तो राइजेज विद द लार्क का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि राइजेज विद द लार्क, देखिए राइजेज मतलब समझ गए होंगे आप, राइजेज विद द लार्क का मतलब होता है कि मतलब बहुत सुबह उठना है या तड़के सुबह उठना, इसको हम बोलने भी बोलते हैं, मतलब वेरी अर्ली। क्या हो जाएगा इसका मतलब? वेरी अर्ली। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाता है? तो नेक्स्ट हमारा आ रहा है क्या? स्विफ्ट अंडर द कारपेट। नेक्स्ट हमारा क्या है? स्विफ्ट अंडर द कारपेट। तो स्विफ्ट अंडर द कारपेट का मतलब होता है कि दोष से बचने के लिए किसी तथ्य को छिपाना।
मतलब अगर कोई दोष है किसी अपराध से बचने के लिए, कोई तथ्य अगर उसका कोई प्रमाण है तो उसको छिपाने की कोशिश करना, स्विप्ट अंडर द कारपेट इसका मतलब ये होता है। तो मतलब क्या हो जाएगा, केप्ट हिडन, मतलब क्या हो जाएगा इसका, केप्ट हिडन। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि स्मेल रैट। देखिए स्मेल रैट का मतलब अगर सेंस से आप समझने की कोशिश करें, अगर हिंदी इसकी जाने, तो ये होता है कि कुछ अनुचित होने का संदेश हो जाना पहले से। तो देखिए रैट की स्मेल से बात की जा रही है इसमें, कि स्मेल रैट, रैट है ना, कुछ खाने पीने की चीज़ होती है तो पहले से उसको स्मेल करके उसको जाके कुतरने लगते हैं, खाने लगते हैं। तो रैट इसी से कुछ मिलकर ये बना है, रैट स्मेल का मतलब, स्मेल रैट। तो स्मेल रैट का मतलब क्या हो जाएगा फिर, मैंने आपको क्या बताया कि कुछ अनुचित होने का संदेश होना, तो मतलब फिर क्या हो जाएगा इसका, सस्पेक्ट, सस्पेक्ट दैट समथिंग इज़ रॉन्ग। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सस्पेक्ट दैट समथिंग इज़ रॉन्ग, कि कुछ जो है गलत है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, तो अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारा क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो है स्टैंड स्टिल, नेक्स्ट हमारा क्या निकल कर आ रहा है, स्टैंड स्टिल। तो स्टैंड स्टिल का मतलब होता है, स्टैंड इसका मतलब होता है कि अब जैसे स्टैंड स्टिल को हम अलग करेंगे इंग्लिश में, इसको अलग, स्टैंड मतलब स्टिल, अभी भी खड़े रहना, स्टैंड स्टिल मतलब एक सेंस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी से आप निकाल सकते हैं, याद करने का माइंड सेटअप करने का तरीका है, स्टैंड स्टिल, अभी भी खड़े हैं जैसे कि। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि पूरी तरह से किसी प्रक्रिया का पूरी तरह से रुक जाना, मतलब अभी भी वो रुका हुआ है, मतलब कि पूरी तरह से रुक जाना किसी प्रक्रिया का। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कंप्लीट हाल्ट, इसका मतलब क्या हो जाएगा फिर, कंप्लीट हार्ट, हार्ट। नेक्स्ट है हमारा सॉफ्ट ऑप्शन। अब देखिए सॉफ्ट ऑप्शन की अगर यहाँ बात की जा रही है तो फिर ये पॉजिटिव वे में ही इसका मतलब कुछ होगा, तो ये हो जाएगा सहज या सहमति जन्य। तो देखिए इसका मतलब क्या हो जाएगा फिर, अगर इंग्लिश में जाने, हिंदी थोड़ा ज़्यादा टफ पड़ती है कभी कभी, तो इजी एंड एग्रीएबल ऑप्शन, इसका ऑप्शन हिंदी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इजी एंड एग्रीएबल ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा है टर्न अ ब्लाइंड आई, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा निकल कर आ रहा है टर्न अ ब्लाइंड आई। तो देखिए टर्न अ ब्लाइंड आई का मतलब होता है कि गलतियों को जानबूझकर नज़रअंदाज करना, इसका मतलब क्या हो जाता है कि गलतियों को जानबूझकर नज़रअंदाज कर जाना। तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रटेंडेड नॉट टू नोटिस, मतलब नोटिस ना करें, प्रटेंड करें मतलब कि नॉट टू नोटिस, गलतियों को जानबूझकर क्या कर जाना, नज़रअंदाज कर जाना। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट है हमारा थ्रो कोल्ड वाटर, नेक्स्ट हमारा क्या आ रहा है, नेक्स्ट हमारा आ रहा है थ्रो कोल्ड वाटर। तो देखिए थ्रो कोल्ड वाटर का मतलब अगर हम जानने की कोशिश करें तो मतलब होता है कि किसी चीज़, किसी को हतोत्साहित करना, क्या हो जाता है, हतोत्साहित करना मतलब कि डिस्करेज, क्या हो जाएगा, डिस्करेज। नेक्स्ट हमारा है टर्न, टर्नड हिज हेड, देखिए टर्न हिज हेड, इसकी अगर हम जानने की बात करें, टर्न हिज हेड, तो देखिए टर्न हिज हेड का मतलब क्या हो जाता, सॉरी टर्न हिज हेड, तो टर्न हिज हेड का मतलब होता है अहंकारी बनाना, इसका मतलब क्या हो जाता है, अहंकारी बनाना। तो मतलब इसका अगर देखें तो हो जाएगा मेड हिम वैन, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मेड हिम वैन। नेक्स्ट हमारा है टू पुल अ लॉन्ग फेस, नेक्स्ट हमारा क्या है, टू पुल अ लॉन्ग फेस, तो जान लेते हैं इसका मतलब क्या हो जाएगा, पुल अ लॉन्ग फेस। तो इसका मतलब अगर हम दोस्तों जानने की कोशिश करें पुल अ लॉन्ग फेस, तो इसका मतलब कुछ अपसेंस से ही क्लियर कर सकते हैं कि पुल अ लॉन्ग फेस का मतलब क्या निकल कर आपके सामने आप आ रहा है या आ रहा है। तो इसका मतलब अगर हम हिंदी में जाने तो मतलब दुखी दिखना या क्या, बहुत उदास मुंह लटकाए खड़े रहना, तो इसका कुछ इस तरह से निकला पुल अ लॉन्ग फेस, तो मतलब कि इसका क्या हो जाएगा फिर, लुक सैड मतलब दुखी दिखना। ठीक है नेक्स्ट हमारा है एंड लास्ट आज का, तो नेक्स्ट हमारा जो है लास्ट आज का क्या है, लेट मी इन द लार्च, क्या है लास्ट का, लर्च, लेट मी इन द लर्च। तो लेट मी इन द लर्च का मतलब अगर हम हिंदी में जाने तो मतलब ये होता है कि ज़रूरत समय में साथ छोड़ देना, मतलब कि ज़रूरत जब आपको पड़े किसी की तो उस समय वो आपका साथ छोड़ देता है, इसका मतलब यही कुछ निकल कर आता है कि ज़रूरत के समय साथ छोड़ देना। तो इसका फिर क्या हो जाएगा सर, इसका हो जाएगा अबेंडन मतलब त्याग कर देना, व्हेन आई नीडेड हेल्प, अबेंडन मी व्हेन आई नीडेड हेल्प, जब मुझे ज़रूरत थी सहायता की तब उसने त्याग साथ छोड़ दिया या साथ छोड़ देना। तो देखिए इस तरह से ये आज के जो कुछ इंपॉर्टेंट जो इडियम्स एंड फ्रेज थे, इसी साथ ये सीरीज चलती रहेगी और इन सारे वीडियोस को मिलाकर लगभग मैंने 100 इडियम्स एंड फ्रेजेस यहाँ पर कवर कर लिए हैं।
अगर आप इस सारे हंड्रेड्स को देखना चाहते हैं तो हमारा वीडियो जो कि मैं प्लेलिस्ट में इसका लिंक दे दूँगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। और इसी तरह से 200 प्लस एडिम्स एंड फ्रेजेस मैं आपको पूरा लेकर आऊँगा आपके सामने, जो कि हमारे आने वाले यूपी पीजल के एग्ज़ाम के प्रोप से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों बस इसी तरह आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।